हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से मिठाई बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। 8 से 10 मिनट में बनकर बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरे आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करो, कमेंट करके बताना कि आपकी रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को आगे बढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने मावा को ले लिया है और ये हमने पनीर को लिया है और इधर हमने ये कोकोनट ले लिया है। ये मार्केट का डेसिनेटेड कोकोनट है। तो आप एक ही कटोरी से इसका मेजरमेंट कर लें। तो जितना हमने कोकोनट लिया है उतना ही हमने मावा लिया है और उससे थोड़ा कम हमने पनीर को लिया है। अब इनको एक साड़ी में रख देते हैं और उसके बाद हम एक प्लेट ले लेते हैं। इसके बाद हम इसमें नारियल को डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें मावा डाल देते हैं। मावा आप चाहें तो इसमें थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैंने आधा कटोरी लिया है। आप चाहें तो इसमें एक कटोरी भी ले सकते हैं कि मावे से अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें। और मावा की जगह पर आप मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। तो आधा कटोरी मैंने मावा लिया है तो आप आधा कटोरी मिल्क पाउडर ले लें। इसके बाद हम इसमें पनीर को डाल देते हैं और इसमें मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया है। तो हमने तीनों चीज़ों को इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें ये जो डेली यूज की स्पून रहती है इससे हमने 3 स्पून इसमें बूरा डाल दिया। आप चाहे, अगर आपके पास घर में बूरा नहीं है तो आप चीनी को पीस करके भी ले सकते हैं। तो हमने 3 चम्मच चीनी इस बूरा इसमें मिला लिया है। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी मिला सकते हैं अगर मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो। और इसको अच्छे से हाथ से बिल्कुल मिला लेना है। तीनों चीज़ों को अच्छे से इसमें मिला लेना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह भी नहीं रहे। और ये हमने रेसिपी बिना गैस जलाई बनाई है, बिल्कुल भी इसमें गैस का यूज़ नहीं किया है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल देंगे और इसको अच्छे से बाइंडिंग दे देंगे। दूध से अच्छे से ये बाइंडिंग हो जाएगी इसकी अच्छे से और इसका अच्छे से एक डो बना लेना है। तो दूध एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध को डाल देना है। तो इसी तरह से इसको हाथ से मिला लेना है ताकि ये सॉफ्ट सा डो बन जाए इसका। और थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध को डालते जाना है। तो इस तरह से इसका एक डो बना लेना है। तो हमने इसका ये डो बना लिया है। उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। तो इसको अलग साइड में रख देते हैं और इसके बाद हमने एक जार ले लिया है और जार में हमने ये चॉकलेट वाले बिस्किट रहते हैं, ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। तो ये मिठाई भी बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। तो हमने एक पैकेट ले लिया है। आप चाहे तो 2 पैकेट भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। और इनको अच्छे से पीस लेना है। और आप इन चॉकलेट वाले बिस्किट की जगह पर दूसरे बिस्किट भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। उसके बाद हमें इसका डो बना लेना है। इसमें भी दूध डालना है और दूध डाल के थोड़ा थोड़ा दूध डालना है, एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है। दूध डाल के इसका अच्छे से एक डो बना लेना है। और इसमें चीनी वगैरह बिल्कुल नहीं डालनी, क्योंकि ये बिस्किट वैसे भी पहले से ही बहुत मीठे रहते हैं तो इसमें चीनी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप चाहें तो इसमें और चीनी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसका एक डो बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये हमने डो बनाकर इसका तैयार कर लिया है। इसके बाद हम आगे की तैयार करेंगे। तो हमने ये इस तरह की एक पॉलीथीन को ले लेना है और इसको अच्छे से धो कर के साफ़ कर लिया है। और इसके ऊपर ये डो को रख देना है, क्योंकि अगर इसको डायरेक्ट बेलेंगे तो ये चिपकेगा। तो इस तरह से इसके ऊपर पॉलीथीन को रख देना है, दूसरी पॉलीथीन को, और इसे बेलन से बेल लेना है। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसको बेल लेना है, जैसे हम पापड़ बनाते हैं उसी तरह से इनको बेल लेना है पॉलीथीन को ऊपर रख के। तो ये बहुत ही बढ़िया मिठाई बनकर तैयार होगी, बिल्कुल हलवाई जैसी।
अगर हम मार्केट से लेके आते तो हमें पता भी नहीं रहता है कि उसमें क्या क्या डाला हुआ है। अगर हम घर पर बनाएंगे तो अपनी प्योर मिठाई बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको बेल लिया है और इसको थोड़ा साइड से इस तरह से अच्छे से कर देना है। अब हमने जो बिस्किट का डो तैयार किया था उसको इस तरह से कर लेना है। तो इस तरह से इसको शेप दे देनी है और इसको बीच में रख देना है। इस तरह बीच में रख देना और इसको पॉलीथीन को इस तरह से इसके ऊपर रोल कर देना है और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से इसको रोल कर देना है। तो इसको अच्छे से इस तरह से सेट कर देना है। 10 से 15 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे सेट करने के लिए। आप चाहे थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, इससे अच्छे से हमारी मिठाई सेट हो जाएगी। तो हमने इसको फ्रिज में इस तरह से रख देना है। तो इसको हमने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से इसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। आप चाहे थोड़े बड़े भी कट सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारी मिठाई को इस तरह से इसके पीस कर लेने हैं। तो इस तरह से इसको कट कर लिया है। अब हम इनको प्लेट में निकाल लिया है। तो ये देखिए बिल्कुल हमारी कितनी बढ़िया देखने में मिठाई लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है और ये देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो आप इसे घर पर ही आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही कम सामान में हमने इनको बनाया है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अब इसको थोड़े से ऊपर से गार्निश कर देते हैं। तो हमने थोड़े से बादाम लिए और थोड़े से पिस्ते ले लिए, इनको भी इस तरह से लगा देना है। तो मिठाई हमारी बिल्कुल बनकर तैयार।